स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के सहायता। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना बकचोदी किए। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए बिना बकचोदी के हम चालू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको लेना है विदाउट एडिटिंग वाला फोटो। सबसे पहले इसको ले चलना है हमको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड, एक और बात, अगर आपको हंसते खेलते एडिटिंग सीखना है तो हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको एडिटिंग करवाना है तो फिर भी हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, देखिए हम अपने फोटो को लेते हैं बिना बकचोदी किए। उसको देखिए हमको करना क्या है दोस्तों, ये कलर का जो ऑप्शन है इस पर जाना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आपको पता है जो फोटो ज़्यादा मिखा हो जाता है तो ये सपोर्ट ना करता है। सो इसको जल्दी देखिए, इसका भी हम उपाय लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको ले चलना है इस फोटो का स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। सो आप देखिए कैमरा का भी सेटिंग सही कर लीजिएगा, उसके बाद आप फोटो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह कर देना है दोस्तों, फिर हमको ले चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके दोस्तों, सो देखिए हमको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चलना है। चलिए हम चलते हैं ऊपर से स्लाइड करके। देखिए आप यहाँ पे हंसते खेलते अंग्रेजी सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से। सो आपको देखिए कलर पर जाना है, और इस पर जाने के बाद मिक्स पे जाना है दोस्तों, और मिक्स पे इस पे जाना है, इस पे सिचुएशन को पूरा लो करना है दोस्तों, देख लीजिए, और इसको हाई करना है। फिर इस पे जाना है, इसको सिचुएशन को लो करना है इतना, और इसको हाई करना है। सो फ्रेंड, उसके बाद देखिए इसको भी लो कर देना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस पे जाना है, इसको लो करना है, देखिए इतना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको करना क्या है दोस्तों, इस फोटो को हमको ले चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो ले चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को, और हमको इस पे जाना है दोस्तों। और इस पे जाने के बाद हमको ये केस को हमको इस तरह ऊपर खींच देना है दोस्तों। सो आप अपना केस भी इस तरह उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। फिर हमको कुछ लाइटिंग वाइटिंग लगा लेना है, कंडीशन वेशन जो आपको लगाना है दोस्तों, क्रीम व्रीम आप पूछ सकते हैं अपने फोटो पे। सो हम बस एक ही क्रीम लगाएंगे, ये रेड वाला, और इसको हम दो जगह लगाएंगे। सो इसको करेंगे ब्लेंड, और इसको करेंगे डुप्लीकेट, और इसको करेंगे ये इस तरह, इसको एक यहाँ पे लगाएंगे, एक लगाएंगे अपने हेयर पे। और हेयर पे लगाने के बाद हमको जाना है एडजस्ट पर, इस पर सिचुएशन को हाई करना है, सिचुएशन को हाई करना है, और फिर हमको इसको लो करना है, इसको तान देना है, फिर इसको लो करना है। देखिए ये होने के बाद देखिए दोस्तों, हमको करना है ब्लर इसको। चलिए हम एक मिनट हम फ्लाइट में डालेंगे किसका फ़ोन आया, ठीक है। हम चलिए फ्लाइट से निकालते हैं दोस्तों, और हम इसको करेंगे ब्लर ऑटोमेटिक। सो हम जाएंगे इफेक्ट पे, और इफेक्ट में जाने के बाद हम ब्लर पे जाना है, और हमको इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद हमको इस पे जाना है, और बैकग्राउंड कर देना है, जिससे कि ऑटोमेटिक ये पूरा बैकग्राउंड इसका ब्लर हो जाएगा एक क्लिक में। सो आप देख सकते हैं बहुत ही लेट लग रहा है, पता ना कहाँ है, एक मिनट शायद मेरा नेट बंद है। चलिए अब देखिए किस तरह होगा। इस पे जाना है सिलेक्ट पे, देखिए, और हमको सिलेक्ट पे जाने के बाद हमको बैकग्राउंड कर देना है। सो ये प्लीज वेट वेटिंग, आप वेट कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब ये किस तरह बन के आएगा। सो देखिए दोस्तों, ये लोडिंग ले रहा है, अभी हो जाएगा कुछ ही देर में, बस ये सिलेक्ट कर रहा है पार्ट को। देखिए दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। हमको इतना बैकग्राउंड ब्लर करना है, देख लीजिए। उसके बाद हमको सेव करना है फोटो को, और इसको यहाँ से सेव करना है, और फिर हमको चलना है पिक्सआर्ट में। चलिए हम फिर इसको फ्लाइट में डाल देते हैं, और फिर उस फोटो को लेना है जो आप फोटो बनाए हैं दोस्तों। फिर हमको ले चलना है इसको लाइटरूम एप्लीकेशन का, नहीं हमको ले चलना है इस पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। स्नैपचैट में ले जाने के बाद हमको लाइट दे देना है जहाँ जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर, कि जहाँ पे लाइट कम हुआ वहाँ पे लाइट हमको दे देना है अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद इस एम्बियंस को हाई करना है, और हाईलाइट को कम करना है, फिर हमको इसको ले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो देखिए हमको इसको ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। चलिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो हम ऑल फोटो पे चलेंगे, और ये रहा फोटो हमारा। सो इसको लेंगे, इसको लेने के बाद हमको फिर मिक्स पे जाना है, इस पे जाने के बाद इसको लो करना है, फिर इसको भी लो करना है, फिर इसको भी लो करना है, बस सिचुएशन को लो करना है, सिचुएशन को लो करना है, सिचुएशन को लो करना है, इसका हम लो नहीं, इसका इतना कर देते हैं, और उसके बाद इस पे जाना है, इसको इतना कर देना है। देखिए दोस्तों, फेस पे कितना अच्छा लाइट आ चुका है। फिर इस पे जाने के बाद हमको लिप्स को इस तरह कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतना काम हो चुका है, फिर हम करेंगे इसको स्मूथ।
सो इसको हम करेंगे स्मूथ। सो स्मूथ वाला एप्लीकेशन कहा गया ये रहा, जो कि आप इससे स्मूथ कर सकते हैं। बहुत ही लजवाब, बहुत ही है जो क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चलिए हटाइए उस बात को, हमको स्मूथ करना है। चलिए हम फटाफट से स्मूथ कर लेते हैं। देखिए गाइस, हम इसको फास्ट स्मूथ करेंगे, ठीक है, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और आपका एम ए भी खर्च ना हो, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को फास्ट कर देते हैं। चलिए सो आप देख, तो देखिए गाइज हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। सो इसको चलिए हम ले चलते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद देखिए एक बहुत ही खतरनाक वाला प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को करेंगे और फोटो एकदम बिल्कुल लाजवाब बन के हमारा रेडी हो जाएगा। सो इस पे जाने के बाद हमको जाना है इस पे, और हमको इस पे जाना है और ये वाला कर लेना है, कलर लेना है। कलर के बाद हमको इस तरह इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे ले जाना है, इतना ही नीचे। फिर हमको इस पे जाना है, फिर हमको इस पे जाना है, इतना ले चलना है और फिर हमको नीचे इतना करना है। देखिए इतना हो गया, फिर हमको इस पे जाना है, फिर हमको रेड पे जाना है और ऊपर वाले को देखिए इतना करना है और नीचे वाले को इतना। सो इसको सेव करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले किस तरह था आप, किस तरह इतनी सा अंतर आया दोस्तों। सो इतना ही अंतर आता है। उसके बाद हमको सिलेक्टिव पे जाने के बाद इसके हमको लाइट दे देना है तनी सा। तो देखिएगा हमारा फोटो बन के रेडी हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। सो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। सो अगर लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे एडिटिंग कराना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं अबाउट सेक्शन में जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।